नमस्कार, श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरत आचार्य। आपण मैंने देखुं वीर कलिंगर भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति आधारित आम कार्यक्रम सुदेवृंद गत संख्यार आम अद्वैत दर्शनवाद अद्वैत वेदांत दर्शन विषय आलोचना करुले और प्रसंग क्रमे आम गोटे उदाहरण को सामने रखी अद्वैत वेदांत दर्शन जहाँ रही ब्रह्म जीव आउ जगत सुदेवृंद ये समग्र संसार भितरे स्थावर अस्थावर गछ लता तरु डाल सजीव निर्जीव ये समस्ते होती ब्रह्मंकर स्वरूप। तो सही क्रम जो उदाहरण टी आम आपण मानक सामने रखी सही जे गोटे मिठई मिठईर मधुरता को आम समस्ते अनुभव करठईरे गोटे ब्रह्म स्वरूप अच्छी कि नाई आमको आश्चर्य लगे मिठईटा गोटे निर्जीव सेटा गोटे खाद्य ता भर पी ब्रह्मकर स्वरूप केमी मिठाईर जो मधुरता ता आसी थाए कौर चीनी आसी थाए ना गुड़ आसी थाए चीनी आ गुड़ जो मिठाईटा मधुर लगे। तो आम ताले चीनी गुड़ कौन सर्वश्रेष्ठ सृष्टि सी आसी कौटू आम जब देखा ताले चीनी गुड़र सृष्टि कौटू आखुरु आखु गछटी हैला चीनी बाहर मिठाई रे दियागला मिठाई मधुरता लगला ताले आखु कौन सर्वश्रेष्ठ आखु परे आउ किछि नाही आखु सृष्टि हैला केमिति तो आखुर सृष्टि हेछि एई माटीरु माटी उपरे आखु गछटी हैला बढ़ला चाराटी बड़ बड़ हैला पाकल हैला आखु गछ आखु कटा गला तो आखुर सृष्टि हेछि माटीरु ताले माटी कौन सर्वश्रेष्ठ शेष अंतिम माटीर सृष्टि हैला जलरु ये तत्व मुझे विशेष व्याख्या करूना केवल चुंबक छुई छुईक जावाक चाहूँगी जो जल तत्व रहा ये जल तत्वर माटी तत्वर सृष्टि जल तत्व कौन सर्वशेष तत्व जलर सृष्टि है कौटू तेजरु जिते बड़े तेज आसे जल बाष्पीभूत हुए पुणी आउ थे जल आकार आसे तेणु ये जल तत्व सृष्टि तेज तत्वर तेज तत्व आसला कौटी गोटे शून्य तत्व वायुरु वायु सर्वशेष कि ना सुदीवृंद वायुर सृष्टि कौटी वायु तत्व ताहा होची आकाश तत्वर एवं आपण मानकर मन थी पूर्व अध्याय आम आकाश तत्व विषय आलोचना करी गोटे गभीर विषय ताहा तेबे आकाश होची शून्य तत्व या भितरे भारी सूक्ष्म चिंतन सूक्ष्म दर्शन सब रही आकाश तत्व गोटे गभीर तत्व आम जेतेबेले आग को जाउचंती ये आकाश तत्वर जो सृष्टि हैला आकाशर जो सृष्टि हैला ताहा होची सुदीवृंद तन्मात्रा मन रखंतु आकाशर सृष्टि हैला तन्मात्रारु ये तन्मात्रा ताहाले कौन आपण देखंतु मिठई आसिकिरी पहुंचिलानी आकाश रे तन्मात्रा रे मिठई निजे निजे एमती सृष्टि हो जाए ना तेणु ये तन्मात्राटी कौन तन्मात्रा हैला अहंतत्व महतत्व एवं प्रकृति अहंतत्व आम बुझिपार्वा अहंतत्व कौन आमर जो अहंकार रही काम क्रोध लोभ मोह ये सब गोटे गोटे विकार ता भितरे अहंकार मध्य गोटे विकार एवं ये आसला कौथेरे तन्मात्रा रे अहंकार महतत्व महतत्व होची आम भितर बुद्धि अहंकार रहिला बुद्धि मध्य रहिला एवं प्रकृति जहा होची ब्रह्म स्वरूप जहाँ को स्वभाव बोली कहा जाए। सुदेवृंद ये जो तन्मात्रा तीनोटी आसला अहंतत्व महतत्व प्रकृति अहंकार बुद्धि आउ स्वभाव उपरे आपण देखंतु माटी रहिला जल रहिला तेज रहिला वायु रहिला आकाश रहिला खी त्य तेज मरुत व्योम पंचमहाभूत पंचमहाभूतर आसला तन्मात्रा तन्मात्रे रहिला कौन ना अहंकार बुद्धि एवं स्वभाव प्रकृति होची ब्रह्म तत्व
तबे ये जो तन्मात्रा आसिले ये तन्मात्रा भितरे यहा कौन सर्वशेष कि तापर आसिला कौन माया जहा पूर्व अध्याय आम कही आमर जो अविद्या रही से अविद्या जो आम ब्रह्मकर स्वरूप ताकू जापना कौन आवरण कर रखी मायाटी आवरण करके रखी एवं ये मायाटी आमको कहीं दृष्टिगोचर हो ब्रह्मकर स्वरूप को आम कहीं संदर्शन करविद्या जो एवं सुधीवृंद ये माया इते शक्तिशाली पूरा संपूर्ण भाव में आच्छादित करके रखी एवं जेतेबेले आम माया को अतिक्रम करिबा सेतिके बेले ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मक पाखे पहुँची पार तेणु देखु गोटे है मिठेई शेष है कौटी ब्रह्मक पाखे आसला कौ पर्याय देकरी ब्रह्म माया तापर आसला तन्मात्रा आकाश वायु तेज जल माटी आखु चीनी मिठेई तेणु कहगला जे समग्र विश्व सजीव हो निर्जीव हो आसला कौटू गोटे पथर ताक दृश्यमान तार गोटे स्थिति अच्छी तो पथर गोटे सृष्टि आसला कौटू ये समस्त ब्रह्म तत्व भितर रही समस्त भितर से ब्रह्मत्व ही रही गोटे छोट उदाहरण आ गोटे आपण मानक देवा चाहिए जे माया केमिति भाव आच्छादित करके रखी आम व्यक्तिगत साधना बल किसी सिद्धि बल प्रार्थना बल कौन सी प्रकार रे भी निजकु सतमार्गी करी आमे हुए तो आस्ते आस्ते अतिक्रम करिकिरी जाई परिबा कौन कौन अतिक्रम करिबा हुए तो जाई परिबा इते सहज नुह पंच महाभूत तांकु अतिक्रम करिबा इते सहज नुह तन्मात्रा जहाँ रही अहंकार बुद्धि स्वभाव या भितरु गोटे सिद्धि आड़क जावा भी इते संभव नुह मन कराऊ आम गले हेरी ताहले आमे अटकवा कौटी माया पाखरे माया को अतिक्रम करहबनी सुधीवृंद जेते बेला पर्यंत आमे सद्गुरुंकर सानिध्य पाइना आम माया को अतिक्रम करना गोटे छोट उदाहरण टे रखुची गोटे शिशु भ्रूण भाव मार गर्भरे संचरित है एवं मार गर्भरे से बढ़ला तार विकास विकसित है गोटे विकसित रूप है ता भितरे तार निश्वास प्रश्वास तार जो चलनी ये सब मातृ गर्भरे ही थिला जेतेबेले मार गर्भरु शिशुटी भूमिष्ठ हो जाए ये पृथ्वी को आसी जाए सर्वप्रथमे सुधीवृंद ताकू माया आबुरी आग रखी दिए सर्वप्रथमे केमिति देखंतु गोटे शिशुटी जनक घरे जन्म हला तो शिशुटे जो पर्यंत माँ गर्भरे अच्छी निश्चित भाव आम भितर गोटे ताप्रति श्रद्धा अच्छी किंतु शिशुटी आसला आम भितर गोटे आसक्ति सांगे सांगे आसीगला ये मो शिशु यार ओजन एतिक अच्छी ये भारी सुंदर दिशुची मो आम घरे जो छुआटी जन्म होती पड़सा घर छुआठू आम छुआटी आहरी सुंदर होती छुआर नाकटा चेप्टा होमर छुआर नाकटा गोलगाल हो तो ताकु मायाटी आवरिक रखिला से मायाटी क्या आवरला बापा माँ बंधु बांधव परिजन एपरिकी क्रमक्रमे से शिशु को मध्य देखु आम घरे गोटे शिशु जन्म होड़सा घर गोटे शिशु जन्म होमें आम शिशु को जी आदर करुचे पड़सा घर शिशु को से करुचे कि कहीं करूना सी तो ब्रह्म सी माँ गर्भर जन्म हो तो आसला जो माया तेणु से माया को अतिक्रम करिबा एते सहज नुह सद्गुरुंकर सानिध्य न पाइले सद्गुरुंकर आशीर्वाद न पाइले से माया को आमे अतिक्रम करि परिबा नाही आउ जदि माया को अतिक्रम करि गले ताहा हेले आमे सिद्ध हो गले जहाँ को कहा जाए आमे मुख्य हो गले माया को अतिक्रम कले तो माया को जो अतिक्रम करिबा से माया को अतिक्रम केवल गुरुंकर सानिध्य रे गुरुंकर आशीर्वाद रही पार्ब से आपण मैंने देखु भारतीय दर्शन रे भारतीय संस्कृति रे गुरु परंपरा एक महान परंपरा सर्वश्रेष्ठ परंपरा हजार हजार वर्ष तले
जो गुरु परंपरा आरंभ होइछि एटा भारतीय दर्शन संस्कृतिर मूल आधार काहीकि सेतेबेले जो मुनि ऋषि माने थिले जो ज्ञानी माने थिले से माने जानी थिले गुरुंकर बिना कौनसी प्रकारे आमर मुख्य नाही आमर मुक्ति नाही। तेणु सुधीवृंद ये जो अद्वैत वेदांत दर्शन ये अद्वैत वेदांत दर्शन भितरे ये जो ब्रह्म कथाटी आसिला जीवर कथा आसिला जीवात्मा जो कथाटी आसिला मु आपण मानको आउ गोटे छोट कथाटी कहिबी जोटा आम साधारणतः सदा बेले ही कहूचे बेले बेले आम कहूचे तार पांच तत्व पचीश प्रकृति बेले बेले गाँ गहली भी कह जाए तो देखु ये गोटे कम गहनर कथा नुह गाँव गहली पाठ पढ़ी नथिबा यार अर्थ जाणि नथिबा जणे साधारण लोक भी कहे हाँ तार गोटे पचीश प्रकृति अच्छी सी कौन कर या भितरे जो गहन तत्वटी रही से गहन तत्वटी पांच तत्व एवं पचीश प्रकृति से विषय मु संक्षिप्त आपण मानक कहीदेक चाहे पांच तत्व कौन है पंच महाभूत खीत अ तेज मरुत व्योम पंच तत्व तीन गुण कौन है तत्व है पाँच गुण हूँ तीन सर्वशेष आसुची पचीस प्रकृति ये पंच महाभूत मध्य पचिशटी तत्व अच्छा जहाँ को पचीस प्रकृति बोली कह जाए ये पचिशटी तत्व ताकु प्रतिदिन आम भोग करुंचोटी पंच महाभूतर पचिशटा तत्व से पचिशटी तत्व विषय मु कहूना बर्तमान जदि आपण मैंने चाहिए आम के आलोचना करवा तेणु पांच आम जोटा कहे पांच तत्व पचीस प्रकृति ये गोटे साधारण कथा नुहे तेणु भारतर दर्शन रे भारतीय मुनि ऋषि माने जो जो कथा को सूक्ष्म कथा को कही जाइछंती हुए तो आम बुझी ना किंतु आम जीवन रे प्रयोग करुछंती। सुधीवृंद आमे आसंता संख्या रे अद्वैत वेदांत दर्शन रो आउ एक चमत्कार उपाख्यान आलोचना करिबा विद्वान मुंडन मिश्रंक सहित जगद्गुरु शंकराचार्यंकर कौन शास्त्र आलोचना होता एवं यार कौन निष्कर्ष घटला आम को उत्साहित करूँ एवं आमर एक चैनल को सब्सक्राइब करूँ आसंता संख्यक अपेक्षा नमस्कार। Thank you.